नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों टुडे इज 23rd of July 2024 और आप सभी को पता है कि आज हमारे देश में और हमारे देश के संसद में जो पेश हुआ है, हमारा फुल बजट पेश हुआ है। आप सभी को पता था दोस्तों कि इससे पहले फरवरी मंथ में 2024 के ही मौके पे हमारे देश में आया था आपका इंटरिम बजट्स। और बेसिकली आप इंटरिम बजट नॉर्मली आपका एक टेम्प्रोरी बजट होता है जो हर 5 सालों में इलेक्शन से पहले आ जाता है। लेकिन आज के दिन जो बजट पेश हुआ है दोस्तों, वो आपका फुल बजट पेश हुआ है। और ये बजट नॉर्मली आपका चलेगा जुलाई से लेकर के मार्च तक, और फिर से आपका 2025 में जैसे ही शुरुआत हो जाएगा दोस्तों, तो आपका फिर फरवरी में फिर से आपका एक नया बजट आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये पार्टिकुलर जो बजट है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, मतलब एक तरह का फेस्टिवल कह सकते हैं। इसको प्रिपरेशन करने में भी काफी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये एक दो दिन की बात है। अब बेसिकली इस पार्टिकुलर बजट के प्रिपरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। अब उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके अंदर एक डिवीजन है बजट डिवीजन के नाम से, जो इस पार्टिकुलर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाती है। और इतना ये सीक्रेट होता है कि इसमें जो भी ऑफिशियल इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में भी पता नहीं रहता है कि कौन बजट जो है नॉर्मली तैयार कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे सबसे लंबा बजट जो पेश हुआ था, सबसे लॉन्ग टाइम का जो बजट पेश हुआ था, वो 1991 में हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इस बार जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, तो 2020 में भी जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी तो उनका जो बजट का टाइमिंग था वो 2 घंटा 40 मिनट के आसपास था। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इंटरिम बजट और फुल बजट इन दोनों को जोड़ दें और इससे पहले का जो बजट है उसको भी जोड़ दें, तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने 7वें मर्तबा जो है बजट को पेश किया है। इसी तरह से अगर हम भारत की बात करेंगे सबसे ज्यादा मर्तबा बजट कौन पेश किया है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोरारजी देसाई साहब। और देन इसके बाद आपका पी चिदम्बरम साहब, और अभी निर्मला सीतारमण वो फर्स्ट वुमेन बनी है जो लगभग 7 consecutive years में लगातार बजट पेश की है, इंक्लूडिंग इंटरिम बजट। और दिस इज द बजट कॉल्ड क्या है आपका मोदी 3.0 बजट, ये रिमेंबर आपको रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। आज की इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे, एक एनालिसिस ले लेंगे कि इस पार्टिकुलर बजट्स में किन किन चीज़ों पे ओवरव्यू बात किया गया है, देन इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पे आपको फोकस रखना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और उसके साथ साथ हमारा जैसे ही पार्ट टू आएगा तो हम लोग डिटेल्स में बात करने के साथ उसका MCQ भी कर लेंगे, ताकि आपको अलग अलग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। देखिए किसी भी बजट में सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये बजट का जो नाम का टर्म है हमारे संविधान में है, तो आपका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में क्लियर जो बात कहा गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और हमारे संविधान में एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 112, बस यहां से वो कवर हो जाता है दोस्तों। बट बेसिकली अगर आपको बजट को अच्छे से और पढ़ना है तो आर्टिकल नंबर आपको 110 से लेकर के 117 ये अच्छे से देखना होगा इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में, जो काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अब सवाल ये है दोस्तों कि जब बजट इतना महत्वपूर्ण होता है तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और सरकार वो अपना पैसा कहाँ पे खर्चा करती है। हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक कंप्लीट फ्लो चार्ट जिसमें कंप्लीट यही बातें लिखी गई है कि गवर्नमेंट के पास पैसा जो है कहाँ से आया, मतलब उसका क्या हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, और सरकार ने उसी पैसा को खर्चा कहाँ पे किया, मतलब हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल। तो अब ये साल भर का जो बजट आया दोस्तों, तो सरकार उस बजट को जहां से वो लाई, मतलब वो टैक्स के फॉर्म में या नॉन टैक्स के फॉर्म में जहां से वो पैसा कमाया गया, अब वो अलग अलग जगह पे जो है पैसा खर्चा करेगी। ऐसे बेसिकली क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सरकार को पैसा खर्चा करने का। पहला पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक गवर्नमेंट स्कीम हो गया या और भी चीजें हो गई, और दूसरा पार्ट होता है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब रोड, ब्रिजेस, हाईवे, डैम्स, ये सारी चीजें ओवरऑल। तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा कि दो तरह का अकाउंट है, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में भी आपका दो पार्ट है, एक रेवेन्यू रिसीप्ट है, मतलब सरकार का कमाई कहाँ से हो रहा है, तो एक है आपका टैक्स और दूसरा है आपका नॉन टैक्स। अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो एक हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की भी बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनी पर लगता है, उसी के साथ आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट टैक्स है। और फिर फाइनली अगर हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो कस्टम ड्यूटी और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका GST, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
नॉन रिसिप्ट या नॉन टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट्स हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारा कैटेगरी इसमें आ जाता है। उसी तरह से सरकार का खर्चा कहाँ पे है, तो सरकारी जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी पे करना, उसके बाद पेंशन, इंटरेस्ट का पेमेंट, सब्सिडीज, देन आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया सरकार का रेवेन्यू रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का पार्ट, और ये हो गया कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। मतलब सरकार अपना जो खर्चा कैपिटल में जो करती है, रोड, ब्रिजेस, डैम, इन सब चीज़ों पे, तो वो खर्चा एक बार होता है, फिर बीच बीच में उसका रेनोवेशन या फिर उसका सर्विसेज होता है ओवरऑल दोस्तों। तो ये एक पार्टिकुलर पूरा फ्लो चार्ट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जहाँ से सरकार को पैसा आता है और साथ साथ सरकार फिर यहाँ पर अलग अलग जगहों पे पैसा खर्चा करती है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है आपके पेपर्स में कि सरकार का जो पैसा आया वो कहाँ से ज़्यादा आया और खर्चा वो ज़्यादा कहाँ पे कर रही है, मतलब रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू। लेकिन इससे पहले हम क्या बात करेंगे दोस्तों कि इस बार के इम्पॉर्टेंट बजट में मेन इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या था, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए बजट्स की थीम की अगर हम बात करेंगे तो ये चार इंपॉर्टेंट थीम है। थीम मतलब मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम्बिशन। तो पहला है आपका एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है आपका स्किलिंग, तीसरा है आपका MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और लास्ट वन है आपका मिडिल क्लास। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है कि सरकार इस बार के बजट में कौन सा इंपॉर्टेंट वो सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो टोटल आपका दोस्तों क्या है कि 9 प्रायोरिटी सेक्टर है, 9 प्रायोरिटीज जो आपका सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा आपका ध्यान दिया है। इसके साथ साथ देश का और भी मुद्दा था इन साल भर में, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का, उसके बाद यूथ का बहुत बड़ा मुद्दा था, जॉब्स का बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके साथ साथ कई सारा आशा ये भी था कि लोगों का इनकम टैक्स जो लगता है उसको रिडक्शन किया जाए, रेन्यूएबल एनर्जी में फोकस किया जाए, इसके साथ साथ जो आवास योजना है जिसमें घर बनता है हाउस होल्ड्स, तो उसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक वो पहुँच पाए, ऐसे कई सारा मुद्दा है। लेकिन इन मुद्दों में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यूथ का एम्प्लॉयमेंट और साथ साथ आपका दोस्तों पेपर लीक का मुद्दा था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझिएगा इस बात को। तो ये थीम पे अच्छे से फोकस करना है। ये है भारत सरकार का जो आपका इंपॉर्टेंट बजट्स का डॉक्यूमेंट्स का एक छोटा सा स्निप। ठीक है, और इस बार जो एक और सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिकॉज आप सभी को पता है दोस्तों कि साल 2019 में जो बेसिकली सरकार हमारे भारत में बना था वो बहुमत का बना था, फुल मेजोरिटी में बना था। लेकिन साल 2024 में जो हमारे देश में सरकार बना है वो गठबंधन का बना है। तो इस बीच में दो पार्टिकुलर जो पार्टी है, एक नीतीश कुमार जी का JDU, एक TDP चंद्रबाबू नायडू जी का, इन दोनों पार्टी पे ही सरकार जो है खड़ी हुई है, मतलब NDA का जो गठबंधन है। तो अब यहाँ पर एक मीम है कि बिहार एंड AP गेटिंग बल्क ऑफ द एलोकेशन, और खासकर देखिए दोस्तों क्या है कि कई बार ये मुद्दा उठा था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। हालांकि अगर हर स्टेट ऐसा मुद्दा उठाएगा सेंटर के पास तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन फिर भी निर्मला सीतारमन जी ने इस बार ये बोला है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना आपको खर्चा दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, बाकी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको पैसा ओवरऑल दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि रुपी कम्स फ्रॉम, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा आया कहाँ से, कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया परसेंटेज वाइज। अगर ये पूरे सर्कल का बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आया 27% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ये पहला प्रायोरिटी है। सेकेंड प्रायोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 19% मतलब इनकम टैक्स से, जो आप और हम पैसा कमाते हैं उस पर जो इनकम टैक्स लगता है। थर्ड वन है आपका 18% जो GST से आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। देन उसके बाद आपका मिसलेनियस में जैसे कॉरपोरेट टैक्स कंपनी के ऊपर जो लगता है। 9% आपका है नॉन टैक्स रिसिप्ट, जिसमें चालान, फीस, ये सब जो आपको मैंने बताया। 4% आपका कस्टम से आया है, कस्टम्स के बारे में जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे लगता है नॉर्मली। और नॉन डैट कैपिटल रिसिप्ट से 1% आया है, तो ये कुल मिला के। और लास्ट में आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5%, और यो भी एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों। तो ये कुल मिला करके आपका रुपी कम्स फ्रॉम है। तो इसको बिल्कुल हायरार्की के फॉर्म में आपको देखना है कि कितना परसेंटेज कहाँ से पैसा आया और कितना परसेंटेज कहाँ पे पैसा जाएगा। तो ये रुपी कम्स फ्रॉम है और ये रुपी गोज टू है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट जो हुआ, अब वो खर्चा वो कहाँ पे करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सरकार का खर्चा कहाँ पे है, तो आप जोड़िए ये 21% आपको दिख रहा होगा। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मतलब जो सेंटर के पास पैसा जाता है वहाँ से स्टेट को शेयर होगा कितना परसेंट, 21%। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 19% इंटरेस्ट पेमेंट में,
मतलब सरकार जो लोन देती है उसका इंटरेस्ट जो पे होता है वहाँ पे 19%। उसके बाद आप देखिएगा थर्ड पोजीशन पे 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे एज फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम, सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सारी जो स्कीम है जिसमें पैसा सरकार डालती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी का, तो 9% पे अदर एक्सपेंडिचर, 9% पे फिर एक और है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280 आपको याद रखना है। इसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब ऐसा स्कीम जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें 8% है। डिफेंस में देखिए आप 8% दिया गया है, सब्सिडीज में 6% दिया गया है, 4% आपका पेंशन में दिया गया है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अलग अलग है जो रुपी गोज टू हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये ध्यान देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, फरवरी जो 2024 में आया था बजट, इंटरिम बजट, उसका भी डेटा आपको देखना है, साथ साथ ये जो फुल बजट है इसका भी डेटा देखना है, जो दोनों एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और आप सभी को पता ये भी होगा कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इस बार एलोकेट्स किया गया है, जिसमें देखिए बिल्कुल हायरार्की वाइज है, पहला आपका डिफेंस, दूसरा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेयर, एडुकेशन, नेक्स्ट आ जाइए आरटी, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बिल्कुल आपको सीक्वेंस में याद करना है, अगर ये कंप्लीट नहीं भी हुआ तो ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया 9 प्रायोरिटीज़ के बारे में, जो 9 प्रायोरिटीज़ क्या है जो बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल विकसित भारत में देखिए प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलिएंट एंड एग्रीकल्चर, ये एक प्रायोरिटी हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ये दूसरा प्रायोरिटी हो गया। इसके बाद इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये तीसरा प्रायोरिटी हो गया। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये चौथा प्रायोरिटी हो गया। इसी तरह अर्बन डेवलपमेंट, ये 5वें नंबर पर हो गया। इसके बाद आपका एनर्जी सिक्योरिटी, ये आपका 6वें नंबर पे हो गया। देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 7वें नंबर पे हो गया। इसके बाद आपका फ्लड मिटिगेशन, ये आपका 7वां नंबर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका 9th नंबर हो गया। तो इन सारे प्रायोरिटी पे आपको ध्यान देना है। हमारा जो पार्ट टू है दोस्तों, बेसिकली उसमें इन डिटेल्स हम बात करेंगे कम्प्लीटली एक एक सेक्शन पे, और साथ साथ उसका MCQ, इसीलिए आप हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों लास्ट डे मैंने आपको कहा था कि हमारा जो बजट का सेशन है फुल एनालिसिस हम अपने सेकेंड पार्ट में लाएंगे, तो बेसिकली दोस्तों आज के पार्टिकुलर सेशन में जो लास्ट डे हमारे देश में बजट आया 2024 में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि बेसिकली दोस्तों मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा हुआ या फिर क्या फ़ायदा नहीं हुआ। देन इसके साथ साथ जो भी अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्टर है भारत में, लाइक डिफेंस, लाइक आपका एडुकेशन, लाइक आपका हेल्थ, तो उस पार्टिकुलर सेक्शन में कितना बजट का एलोकेशन हुआ है। इसके साथ साथ दो पार्टिकुलर जो स्टेट जो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा पे था, फर्स्ट वन आपका बिहार और उसके साथ आपका था आंध्र प्रदेश, इन दोनों पार्टिकुलर स्टेट को क्या स्पेशल कैटेगरी मिला या फिर स्पेशल पैकेजेस मिला, या फिर बदले में कह सकते हैं क्या इनको मिला फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद दोस्तों मेरा ही इसी पार्टिकुलर सेशन के बाद एक और वीडियो आएगा इनकम टैक्स को लेकर के, देन इसके बाद गोल्ड इम्पोर्ट्स को लेकर के, जहाँ जहाँ पर सरकार ने थोड़ा बहुत बदलाव किया है। देन इसके बाद दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैलरी पर्सन है उनको ओल्ड रेजिम टैक्स में जाना सही रहेगा या फिर आपका न्यू रेजिम टैक्स में जाना सही रहेगा। इसके साथ साथ जो कस्टम ड्यूटीज़ जो लगता है, तो कई सारी जो कॉमोडिटीज़ है या कई सारा जो आइटम है जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ कम हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट्स क्या पड़ेगा दोस्तों, तो इन्हीं चीज़ों को ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बजट के एनालिसिस का। हमने आपको पार्टिकुलर फर्स्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था, जहां तक आपको याद होगा दोस्तों, कि मैंने बताया था कि इस बार के बजट का जो थीम है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे ही बात करेंगे स्किलिंग का, तो यहां से एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट लिया गया है जो हम लोग 9 प्रायोरिटीज़ में पढ़ेंगे, जो इस बार के बजट्स का 9 प्रायोरिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जिसमें दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा गया है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव यानी कि ELI स्कीम, मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें इंटर्नशिप कराया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बजट है वो अपोजिशन पार्टी से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया गया है, ये वाला जो आइडिया है ये कम्प्लीटली वहीं से ही लिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। नेक्स्ट ओवरऑल आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, मैंने ये भी चीज़ आपके साथ डिस्कस किया था
कि जब भी भारत में जैसे बजट आता है तो आप मान के चलिए कि सरकार के पास वो पैसा कहाँ से आएगा, मतलब रुपी कम्स फ्रॉम, और सरकार जो भी पैसा मतलब कि आएगा सरकार के पास वो पैसा कहाँ पे खर्च करेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी। तो डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं वो 9 प्रायोरिटीज के ऊपर में, जहाँ पर इन डिटेल हमें डिस्कस करना है, और उस पार्टिकुलर सेक्शन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा मैं इसी वीडियोज के माध्यम से वो आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, जहाँ पर आपको हेल्पफुल ओवरऑल रहेगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए दोस्तों, जैसा कि अगर हम बात करें इस पार्टिकुलर बजट्स के डॉक्यूमेंट का, तो जो मैंने आपको कहा कि कुल इम्पॉर्टेंट जो आपका 9 प्रायोरिटीज़ है, जिसमें आपका जो पहला प्रायोरिटी है दोस्तों वो है आपका प्रोडक्टिविटी रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब के जो भी भारत में हमारे देश में जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कितने अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो पाए, उसको टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्शन किया जाए, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है किसानों को लेकर के वहाँ पर और कितना रॉबस्ट किया जाए, ये सारी चीज़ों पे इस पार्टिकुलर टेबल में बात कहा गया है। इससे पहला क्या है देखिए यहाँ पर कि नेचुरल जो फार्मिंग होती है, 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग इज सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसके बाद 10,000 से ज़्यादा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट वन, आप सभी को पता है दोस्तों कि जब भी एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो कई सारी जो डेवलपमेंटल बैंक है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नाबार्ड का नाम, तो उसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है, फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेट थ्रू नाबार्ड। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताना है कि भारत में जो नाबार्ड बना था स्पेशली रीजनल रूरल बैंक को मतलब कि उसके ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेट्स करने के लिए और स्पेशली फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो नाबार्ड हमारे देश में कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से बना है। देन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों लास्ट में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सरकार ने साफ साफ कहा है कि DPI फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 ईयर्स। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं कम्प्लीटली अगर हम बात करें तो उसको डिजिटल जो है उससे कनेक्शन करने का बात कहा गया है। हालांकि ये पार्टिकुलर स्कीम थोड़ा सा पुराना है, बस इसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद एक और बात किया गया है, आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेशम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस की बात कहा गया है यहाँ पे। देन इसके बाद दोस्तों आपका नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, जिसमें प्रमोशन किया जाएगा FPOs को, कोऑपरेटिव स्टार्टअप, वेजिटेबल सप्लाई चेन, स्टोरेज सिस्टम, इन सारी चीज़ों पे जो है वर्क ऑन किया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों ये बात कहा गया है कि इसके अंदर प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर ये पहला प्रायोरिटी है भारत सरकार का इस बार के बजट में। अगर हम नेक्स्ट वन बात करेंगे सेकेंड प्रायोरिटी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, जिसमें मैंने क्या कहा था आपको, जिसमें मैंने कहा था एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम करके, जो मैंने आपसे कहा था। अब यहाँ पर ये वाला टेबल आप पढ़िएगा स्किलिंग प्रोग्राम में कि 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर ए 5 ईयर पीरियड, मतलब 5 सालों तक में 20 लाख यूथ को स्किलफुल बनाना, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग उन लोगों को देना है, जिसके लिए एक ITI इंडस्ट्री हमारे देश में है। उसके साथ साथ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स। उसके साथ जो कोर्स कंटेंट होगा, जो भी चीज़ें होगी, उसको डिजिटाइज करके, उसको कोलाबरेट करके उसको आगे चलाया जाएगा। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों के गवर्नमेंट विल रीइंबर्स, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू 3000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ऑल न्यू हायर। यानी जितना भी न्यू हायरिंग होगा तो इसमें अगर आप मान लीजिए जो भी आपको सैलरी मिलता है और उसमें आप मान लीजिए कि अप टू 3000 हर महीना EPFO में कंट्रीब्यूट करते हैं 2 सालों के लिए, तो वहाँ पर आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और बाकी मैंने ऑलरेडी एक चीज़ बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसको आगे हम लोग और अच्छे से देख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ का, जो हमारा तीसरा प्रायोरिटी है इस पार्टिकुलर बजट के सेशन में, वो है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो हमारा थर्ड प्रायोरिटी है। अब बेसिकली दोस्तों क्या है
कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बोला गया था कि स्पेशल कैटेगरी दे दिया जाएगा, मतलब इस तरह का डिमांड था, काफी सालों से डिमांड था। आप नीतीश कुमार का भी कई बार स्पीचेस सुने होंगे, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो नहीं मिला, लेकिन बोल सकते हैं कि एक स्पेशल पैकेज मिल गया। स्पेशल पैकेज मतलब स्पेशल फाइनेंशियल अलॉटमेंट जिसको कह सकते हैं, एलोकेशन थोड़ा बहुत जो भी है मिल गया है। और आई थिंक वो जो मिला है आपको वो आपका 26,000 करोड़ के आसपास जो भी है मिला है दोस्तों। और एक चीज और कहा गया है बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कि अगर जो मल्टीलेटरल एजेंसी होती है, जैसे एज फॉर एग्जांपल एशिया डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, इन सारे बैंकों से अगर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो सेंटर जो गवर्नमेंट है वो वहां पर हेल्प करके आपको लोन दिलवा सकती है, ये बात कहा गया है। लेकिन बात कहा गया था क्या बहुत पहले की, कि 1.25 लाख करोड़ का आपको पैकेज जो भी है दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थर्ड प्रायोरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है वो है पूर्वोदया, ये विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकास भी और विरासत भी। इसमें क्या होगा, इसमें ये प्लान किया गया है कि टोटल 5 इंपॉर्टेंट जो स्टेट है ईस्टर्न पार्ट में, जिसमें आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब यहाँ पर इसको मतलब स्पेशल कैटेगरी में रख करके इसको आगे बढ़ाने का बात कहा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जो कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विथ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया, जिसका गया में मेन जंक्शन पॉइंट आपका बनेगा, मतलब कॉरिडोर ऑलरेडी बनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम जब लॉन्च हुआ था तो हमारे देश में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का जो सपोर्टेशन है उसको काफ़ी रॉबस्ट बनाया गया और अलग अलग जगहों पे कॉरिडोर्स बनाए गए। इनफैक्ट बंगाल के डानकुनी से भी एक कॉरिडोर शुरू हुआ था, अभी तक पता नहीं उस पर वर्क चल ही रहा है ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक कॉरिडोर था आपका वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, एक कॉरिडोर था आपका ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर करके जो भी था आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, टू इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन किसको इम्प्रूव करना है, ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो कवर करेगी 63,000 के आसपास विलेजेस और इसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल जो है इन्वॉल्व रहेंगे। देन इसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका सेटअप होगा, मतलब कि आपका 100 ब्रांचेस नॉर्थ ईस्ट रीजन के एरिया में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जिसमें आंध्र प्रदेश को इस बार जो पैकेज दिया गया है वो है 15,000 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट ये काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है बेसिकली दोस्तों, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर और है, पहला जो है ये कॉरिडोर किस चीज़ का है, तो वाटर पावर रेलवे एंड रोड्स इन कोपार्थी नोड, कॉरिडोर का नाम क्या है, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और दूसरा है ओरवक्कल यानी कि हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो 2 तरह का कॉरिडोर होगा यहाँ पे, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका जो मेन जंक्शन पॉइंट है क्या है, तो कोपर्थी है, ये जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका जो जंक्शन पॉइंट है क्या है, तो वो है आपका ओरवक्कल। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो जनरली इसमें जो है आपका आंध्र प्रदेश को लेकर के और बाकी जो आपको मैंने बताया पूर्वोदया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अब देखिए इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट एक चीज़ आपको बता देते हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन 500 टॉप कंपनी, मतलब एक ऐसा स्कीम भारत सरकार का जिसमें 500 टॉप कंपनी जो भारत की होगी, 500 जो टॉप कंपनी भारत की होगी उसमें लगभग आपको 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा अगले पाँच सालों के अंदर में। और उनको जो अलाउंसेस मिलेगा हर महीना के तौर पर, वो आपका 5,000 रुपया हर महीना उनको अलाउंसेस जो भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 1 टाइम एक असिस्टेंस मिलेगा, कितने रुपीज़ का, तो 6,000 के आसपास, थ्रू दी CSR फंड, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। बट बेसिकली दोस्तों क्या हो गया इसमें कि युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा,
अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं का टारगेट है, जिसमें 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगा और वन टाइम असिस्टेंस के लिए 6,000 रुपया मिलेगा दोस्तों। तो यही पार्टिकुलर स्कीम को हम बोल रहे थे आपको, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, बेसिकली दोस्तों एक इंटर्नशिप टाइप का हो गया। यही बातें ऑपोजिशन पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट और भी कॉरिडोर है, जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें टोटल 12 इंडस्ट्रियल पार्क, 12 इंडस्ट्रियल जो पार्क है दोस्तों वो आपका बनाया जाएगा, ठीक है। ये किस प्रोग्राम के अंडर, तो आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ आपका क्रिटिकल मिनरल जो मिशन है उस पर वर्क ऑन किया जाएगा, इसके साथ आपका एमएसएमई जो सेक्टर है वहाँ पर फोकस किया जाएगा। अच्छा हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है आपका कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में जो लोन का सिस्टम होता है, बेसिकली दोस्तों शिशु किशोर और तरुण जो कैटेगरी होता है, तो सबसे मैक्सिमम लोन वो 10 लाख मिलती है, उसको एक्सटेंड करके 20 लाख कर दिया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट एक अपडेट है जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मुद्रा जो लोन होती है दोस्तों, द लिमिट इनहैंस टू ₹20 लाख फ्रॉम द करेंट ₹10 लाख अंडर द तरुण कैटेगरी, यानी कि तरुण कैटेगरी में जो 10 लाख रुपए लोन मिलता था एमएसएमई सेक्टर में, अब उसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है, तो 20 लाख रुपया कर दिया गया है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। और देन इसके साथ साथ एमएसएमई जो यूनिट होती है, फूड हो गया, क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में इसी का जो भी बात कहा गया है। और इसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जो रेंटल हाउसिंग होता है, ये डॉर्मेट्री टाइप का होता है, स्पेशली ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाके काम करते हैं, तो उनके लिए जो है वो पीपीपी मोड पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर उनके लिए एक जगह बनाया जाएगा एकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और उसके साथ साथ बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये मतलब के होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, वो जो गिग इकोनॉमी है तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई इस पर जो सर्विसेज सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है, लाइक जोमैटो, ओला, स्विगी, ये सारे लोग जो इस पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो काम करते हैं, तो उसको हम लोग गिग इकोनॉमी बोलते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर राहत देना चाहिए, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, और बेसिकली दोस्तों वो एक सर्विस सेक्टर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बात कहा नहीं गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अगले प्रायोरिटीज का, तो यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट है जो आपको रिमेंबर रखना है, और इसमें 4 पॉइंट ऊपर में दिया गया है। एक है पहला स्टैम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट्स, और स्ट्रीट मार्केट को लेकर के एक चीज़ आपको याद रखना है, भारत सरकार का इससे पहले एक स्कीम आया था, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, और ये जो स्कीम बेसिकली किस पे है आपका दोस्तों, तो ये आपका स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर में है, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर में है, ठीक है। अभी रिसेंट में फरवरी के मंथ में इंटरिम जब बजट्स आया था, तो उसमें भी इस पार्टिकुलर स्कीम को डिस्कस किया गया था, और कुछ अपडेट्स जो भी दिया गया था। नेक्स्ट आपका ट्रांजिट बनाया जाएगा, उसके बाद आपका वाटर मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है आपका अर्बन डेवलपमेंट में। स्टैम्प ड्यूटी में बात करेंगे तो टू इनकरेज स्टेट्स टू लोअर स्टैम्प ड्यूटी फॉर प्रॉपर्टी परचेस्ड बाय वोमेन, अब इसमें स्टेट्स को ये बोला गया है कि आप जो स्टैम्प ड्यूटीज जो लेते हैं टैक्स के फॉर्म में, उसको थोड़ा सा कम करना होगा, और महिलाओं के लिए, ताकि वो उनको इनकरेजमेंट्स मिलेगा वो खरीदने के लिए। ओवरऑल दोस्तों देखिए, लोअर स्टैम्प ड्यूटी फॉर प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय वोमेन, यानी वोमेन्स को इसमें दिया गया है कैटेगरीज। इसके बाद स्ट्रीट मार्केट की बात करेंगे तो एनवीसीजनिंग स्कीम टू डेवलप 100 वीकली हाट और स्ट्रीट फूड हब इन सेलेक्ट सिटी, यानी कुछ चुनिंदा सिटीज़ में आपका स्ट्रीट फूड हब जो होता है दोस्तों वो ओवरऑल बनाया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो ट्रांजिट और इन डेवलपमेंट है, तो 14 जो बड़ी बड़ी शहर है, 14 जो लार्ज शहर है जिसकी पॉपुलेशन अबव 30 लाख है, तो उसमें ट्रांजिट सिस्टम ओवरऑल बनाया जाएगा। और लास्ट आपका है जो वाटर मैनेजमेंट है, उसमें आपका सीवेज हो गया, सप्लाई हो गया, इन सब चीज़ों को सुधारा जाएगा। ये बेसिकली आपका अर्बन डेवलपमेंट का प्रायोरिटी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 अगर हम बात करेंगे, तो इसमें बोला गया है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल
क्लास फैमिली विल बी एड्रेस विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़, यानी कि इसमें जो है 1 करोड़ अर्बन पुअर जो लोग हैं उनको जो है घर दिया जाएगा बना करके, जिसमें फंड एलोकेट जो किया गया है वो 10 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट जो भी दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज या रेगुलेशंस आएगा लाइक रेंटल हाउसिंग मार्केट्स में और भी चीज़ों में। जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये सब जब देखिएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस बार मतलब कि थोड़ा रिडक्शन हुआ है, मतलब वो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा, वो आप देखिएगा ज़रूर से प्लीज़। अगला अगर हम बात करेंगे दोस्तों प्रायोरिटी का, तो वो है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब चीज़ों पे अगर हम बात करें तो। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है दिस वन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आए दिन कोई ना कोई पेपर्स में आपको दिखेगा। इस पार्टिकुलर स्कीम में क्या बोला गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑप्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, और लगभग हर महीना 300 यूनिट तक जो है आपको बिजली जो है फ्री मिलेगा। और लास्ट वन आपका जो है आपका 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेंट सो फार, इसमें जो भी बताया गया है। अब बेसिकली दोस्तों क्या है कि आप सभी को याद होगा कि रूफ टॉप सोलर एक स्कीम्स था, सो जिसके रिगार्डिंग ओवरऑल ये पार्टिकुलर एक स्कीम और लॉन्च किया गया, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा अप टू 300 यूनिट्स तक बेसिकली। तो इसमें इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, इतने लोगों को बेनिफिट्स हुआ, जो भी चीज़ें इसमें डिस्कस जो भी किया गया है। और उसके साथ साथ दोस्तों कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी है बनाया जाएगा। देन इसके बाद आपका आपका थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर जो है बात कहा गया है, हालांकि बिहार में भी बोला गया है कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो थर्मल पावर स्टेशन है वो फैक्ट्री सेटअप किया जाएगा। ओवरऑल ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसमें बोला गया है, ठीक है। अगला अगर हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ में, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रायोरिटीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रायोरिटीज़ में आप देख सकते हैं कि अगर हम लास्ट में इंटरिम बजट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर था मतलब कैपेक्स 111 करोड़ के आसपास जो है ये फंडिंग था बेसिकली दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों कि प्रोविज़न ऑफ 111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 3.4% ऑफ GDP, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामीण मतलब के सड़क योजना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट्स ओवरऑल दिया जाएगा, ताकि ओवरऑल दोस्तों आपका क्या है कि फ्लड हो गया या और भी जो डिजास्टर्स है उससे जो है फाइट किया जाए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है आपका कि फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट विथ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ सच एज कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट 11,500 करोड़ जो भी इसमें दिया गया। इसके साथ साथ जो फ्लड का प्रॉब्लम रहता है उसको मैनेज करने के लिए आसाम हो गया, सिक्किम और उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स को जो भी है वहाँ पर प्रोग्राम दिया जाएगा बेनिफिट्स। और उसके साथ साथ आपका हिमाचल प्रदेश में रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन, इसका भी असिस्टेंस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रायोरिटीज़ में जो भी दिया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कोसी और मेची इंट्रा स्टेट लिंक का प्रोजेक्ट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ में 7वें नंबर पर, वंस अगेन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जिसको आपको याद रखना है। पहला है आपका टूरिज्म को अगर हम बात करेंगे तो देखिए विष्णुपद टेंपल कॉरिडोर, दिस वन विष्णुपद टेंपल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेंपल कॉरिडोर, ये दोनों डेवलप किया जाएगा। किसके मॉडल को देख करके? तो काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर के मॉडल्स को देख करके विष्णुपद टेंपल कॉरिडोर और महाबोधि टेंपल कॉरिडोर, ये दोनों को डेवलप किया जाएगा। देन इसके साथ साथ दोस्तों आपका, आप सभी को पता था कि रिसेंट्स में नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को फिर से जो है दोबारा बनाया जा रहा है, तो अब उसी के आसपास टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए उस पार्टिकुलर एरिया को और डेवलप किया जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका उड़ीसा का जो ब्यूटी टेंपल मॉन्यूमेंट क्राफ्टमैन, इन सारी चीज़ों पर जो है फोकस किया जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल।
देन इसके बाद इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर अनुसंधान नेशनल रिसर्च, इसके बाद स्पेस इकोनॉमी में यहाँ पर जो है आपका वेंचर कैपिटल फंड की मदद से 1,000 करोड़ के आसपास जो इसमें एक फंडिंग सेटअप किया गया है, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने अगले प्रायोरिटीज की तरफ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, मतलब दोस्तों आपका रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन जो भी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कि FDI एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड टू फैसिलिटेट FDI एंड प्रोमोट अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग इंडियन रुपी एज ए करेंसी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, यानी भारत सरकार ये चाहती है कि इंडियन रुपीज को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में प्रोमोट किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट आपका है NPS वटसलिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, न्यू पेंशन स्कीम वटसलिया, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। देन इसके साथ साथ आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरिया विल बी डिजिटाइज्ड विद GIS मैपिंग, ये अच्छे से रिमेंबर रखना है। उसके साथ साथ आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार फॉर ऑल लैंड्स, ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट, हम जो रॉबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन है, मतलब के जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स होता है, मतलब कि सरकार ने कितना जो है इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट्स किया, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ज़्यादा अगर हमारा एक्सपोर्ट होगा और कम इंपोर्ट्स होगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो सुधरता है, मतलब कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा अच्छा होता है, ज़्यादा अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर उसी चीज़ों की डिस्कस की गई है, इम्प्रूवमेंट इन करेंट अकाउंट डेफिसिट्स के बारे में। देन आपका जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वहाँ पर ये टेबल के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ये टेबल इसमें बताया गया कि इसमें डिक्लाइन हुआ है, इन्फ्लेशन को जो है टाइमिंग किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिस्कल डेफिसिट भी जो है आपका वो भी डिक्रीज हुआ है, जैसा जो भी ओवरऑल इस पार्टिकुलर बजट्स में बताया गया है। अगला अगर हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है टैक्स प्रपोजल, हालांकि इस पर एक मेरा सेपरेट वीडियो आएगा वो ज़रूर आप देखिएगा कि ओल्ड टैक्स अच्छा है या न्यू टैक्स अच्छा है, इस बार टैक्स में क्या बदलाव हुआ है, क्या बेनिफिट्स हुआ, ये सारी चीज़ें। बट फिर भी दोस्तों ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स 1961 ये कानून हो गया, देन इसके बाद आपका नेक्स्ट वन दोस्तों आपका है सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटी एंड TDS, मतलब कि आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लिटिगेशन एंड अपील, और लास्ट वन आपका है डीपनिंग द टैक्स बेस, ठीक है। हालांकि इस बार जो न्यू रेजीम आया है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, जब मेरा टैक्स का वीडियो आएगा तो उसमें और अच्छे से डिटेल्स पे बात किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ कस्टम ड्यूटी जो है, जो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स की पार्ट है, उसमें लगभग मान के चलिए कि 3 से ज़्यादा कैंसर की जो मेडिसिन है उस पर एग्जिमिशन किया गया है कस्टम ड्यूटीज़ पे। देन इसके बाद मोबाइल फ़ोन हो गया, वहाँ पर जो है थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है कस्टम ड्यूटी पे। देन इसके बाद आपका जो गोल्ड और सिल्वर है जो उस पर वहाँ पर रिडक्शन किया गया है, आई थिंक आपका 6% और 6.4% के आसपास जो भी इसमें रिडक्शन किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइक आपका सोलर सेल हो गया, पैनल्स हो गया, वहाँ पर एग्जेम्पशन किया गया है, और कुछ जो क्रिटिकल मिनरल्स यूनिट होती है वहाँ पर जो है आपका दोस्तों एग्जेम्पशन जो भी है किया गया है अंडर कस्टम्स ड्यूटी, मतलब जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स का, तो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में एक जो चीज़ बताया गया है बार बार वो है कि यहाँ पर जो सेविंग होगा अप टू वो 7,500-7,750 के आसपास जो है आपका सेविंग का बात कहा गया है। मतलब देखिए ये आपका टैक्स का स्लैब है पूरा न्यू टैक्स रिजीम में, हालांकि डिटेल वीडियोज़ में आएगा आपको, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जिनका सैलरी 3 लाख तक है वो नील चला गया, उसके बाद 3 से 7 लाख को जो है आपका 5% है, 7 से 10 लाख को आपका 10% हो गया, 10 से 12 लाख को 15% हो गया, 12 से 15 लाख को 20% और ग्रेटर देन 15 लाख यानी कि 15 लाख से अभव को 30% हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि न्यू टैक्स में जाया जाए या फिर ओल्ड टैक्स में जाया जाए, क्या बेनिफिट्स होगा, ये सारी चीज़ें ओवरऑल तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में उसको फर्स्ट ऑफ ऑल। एक और चीज़ है आपका कि टैक्स का जो डिडक्शन होता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए उसको इंक्रीज़ करके 50,000 से ये 75,000 कर दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों।
इसको इंक्रीज करके जो है 50,000 से जो है आपका 75,000 कर दिया गया है। और थोड़ा बहुत जो है पेंशन में जो आपका बेनिफिट होता है, तो फैमिली पेंशन को 15,000 से जो है 25,000 कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जैसे कि शॉर्ट टर्म जो गेन होता है फाइनेंशियल एसेट्स पे, मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा मतलब कि एसेट्स है आपके पास, तो उसमें जो है आपका टैक्स रेट जो रखा गया है वो आपका 20%, और अगर आपका पास लॉन्ग टर्म ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट टैक्स रेट 12.5%, जो पहले ज़्यादा था अभी इसको कम कर दिया गया है, यही वाला मामला एक है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके साथ साथ आपका इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स और ₹1.25 लाख पर ईयर, दिस वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक राहत दिया गया है स्टार्टअप कंपनी को, जिसमें यह है कि आप सभी को पता है कि स्टार्टअप कंपनी के लिए एंगल टैक्स लगता है, एंजल टैक्स, उसको कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया है। और हाँ, लास्ट बात, कॉर्पोरेट टैक्स रेट यानी कि जो कंपनीज के ऊपर लगता है, उसके प्रॉफिट के ऊपर लगता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनी रिड्यूस्ड फ्रॉम 40% से 35%। मतलब जो भी फॉरेन कंपनी जो भारत में है जिस पर टैक्स लगता था 40% पहले, उसको राइट नाउ भी जो 35% कर दिया गया है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी ऑलरेडी मैंने ये दोनों टेबल आपसे डिस्कस किया था कि कौन से पार्टिकुलर सेक्टर्स में कितना अमाउंट जो है मे बी दिया गया है, तो जिसमें सबसे नंबर वन पे डिफेंस आपको याद रखना है, ये बेसिकली आपको एसएससी बैंकिंग पेपर में डायरेक्टली पोर्शन पूछ लिया जाता है, और यूपीएससी के सेक्शन में तो आपको पता है कि इस पार्टिकुलर बजट से क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यो यूपीएससी की परस्पेक्टिव पे है, तो ये सीक्वेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। देन इसके साथ साथ एलोकेशन टू मेजर स्कीम इन करोर, यानी कि कितने रुपीज़ जो है दिया गया है अलग अलग पार्टिकुलर स्कीम में। अगर हम मनरेगा की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2023 और 24 की बात करें तो 60,000 करोड़ था, 24 और 25 में इसको बढ़ा करके 86,000 करोड़ कर दिया गया है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मनरेगा जिसमें 100 डेज वर्किंग गारंटी मिलता है, तो पहले क्या था बजट एस्टिमेट्स में 60,000 करोड़, बढ़ा के 86,000 करोड़, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है PLI के नाम से, PLI मतलब इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो ऐसे मतलब बिजनेसमैन जो फार्मेसी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 1200 करोड़ का था मतलब कि बजट आपका, अभी इसको बढ़ा करके 2143 करोड़ का जो है ये आपका बजट दे दिया गया है इस बार। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है आपका LPG कनेक्शन, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है, यानी कि जिसमें फ़ायदा मिलता है, जिसमें आपको सब्सिडी कह सकते हैं। तो 2023 और 24 में था इसमें 180 करोड़, इसको बढ़ा करके अगर हम कह सकते हैं तो ये हो गया आपका 1500 करोड़ 2024-25 में। इसके बाद एक बहुत ही फेमस स्कीम है आइडिया स्कीम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस पार्टिकुलर स्कीम में जो है पहले 1300 करोड़ था, इसको बढ़ा करके 3849 करोड़ जो है ये एलोकेशन कर दिया गया है। सोलर पावर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सोलर पावर में भी जो है बजट्स को बढ़ा करके 10,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी पहले 3000 करोड़ था, अब हो गया ये 6903 करोड़ दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, इसमें आपका 400 पहले 42 करोड़ था, अब ये 2228 करोड़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको ये अच्छे से देखना होगा, समझना होगा कहां पर कौन सा अपडेट हुआ, अपग्रेड हुआ एग्जाम में, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यही सब चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनाती है। अब आते हैं एक छोटे से लास्ट पॉइंट पे, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर पे, मतलब सरकार जो है कहाँ से कितना पैसा कमाई और सरकार वही पैसों को खर्चा कहाँ पे कर रही है। अगर वो पैसा कमाई तो क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, अगर वो खर्च कर रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इसी का एक और पार्ट होता है कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पहले टेबल में डिस्कस किया था। अगर हम रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करेंगे, मतलब सरकार की कमाई की बात करेंगे, ये 1,00,000 करोड़ में, रिमेंबर रखिएगा, तो 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 31.3 लाख करोड़ के आसपास, और उसी के साथ साथ जो कैपिटल रिसीप्ट है वो आपका 16.9 लाख करोड़ के आसपास है। एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि सरकार जो सैलरी पेंशन इन सब चीज़ों में खर्चा करती है, तो यहाँ पर है 37.1 और
इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 15 लाख करोड़, आपको ये पॉइंट भी अच्छे से रिमेम्बर रखना है। तो यहाँ तक था दोस्तों आपका एक फुल एनालिसिस इस पार्टिकुलर बजट्स का, जिसमें मैंने 1-to-1 जो भी डिस्कस इंपॉर्टेंट किया, बट फिर भी आपको जो इंटरिम बजट्स आया था जिसमें कई सारा स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया था, जैसे एज फॉर एग्जांपल पीएम विश्वकर्मा स्कीम याद होगा आप लोगों को, देन इसके बाद आयुष्मान भारत काफ़ी फेमस स्कीम था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, उसके साथ साथ दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड, लखपति दीदी स्कीम, इन सब चीज़ों की स्कीम को बिल्कुल स्किप नहीं करना, अपकमिंग जितना भी पेपर होगा सब में हेल्प करेगा, और स्पेशली जो मेंस का पेपर है यूपीएससी में वहां तो हेल्प करेगा ही करेगा, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर आप कह सकते हैं बजट्स हो। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली अपने पीपीटीज पे, जहां पर मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजों पे डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट बट नॉट द लिस्ट थोड़ा सा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं जो इंटरिम बजट्स था 2024 का, इस बार जो बजट्स आया था इंटरिम फरवरी के दिन में, वहाँ पर क्या हालात है वो देख सकते हैं हम लोग, रुपी गोज टू एंड रुपी कम्स फ्रॉम, तो ये भी टेबल आप जरूर देख के जाएं, ये इंटरिम बजट का है रिमेंबर, और जुलाई 23 को जो आया वो फुल बजट है, ये भी रिमेंबर रखना है। अब आप देखिए ये सारा जो कैटेगरी होता है ना जहाँ से पैसा आया भारत सरकार के पास, तो सबसे बड़ा कैटेगरी देखिए क्या है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी 34%, इस बार भी वही कहानी है। 34 के बाद आप देखिए कि 17% कहाँ से आया, तो GST से आ गया है ना, उसके बाद देखिए 15% कहाँ से आया, तो कॉर्पोरेशन टैक्स से आ गया। अच्छा ये बताइए ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स ये प्रॉफिट्स पे लगता है ना, और लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ अपडेट क्या हुआ कि अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत में कंपनी ओपन करके है उस पर जो कॉरपोरेट टैक्स लगती थी कितना लगती थी, तो उस पर कॉरपोरेट टैक्स पहले लगती थी 40%, अभी रिड्यूस करके कितना हो गया 35%। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस करना होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट सरकार का कमाई कहाँ से होता है, तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स जो हम और आप पे करते हैं, उसके बाद आपका एक्साइज ड्यूटी 7% है, देन इसके बाद आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कि चालान फी सर्विसेज इन सब चीज़ों को नॉन टैक्स रिसिप्ट हम लोग कह सकते हैं। कस्टम की बात करेंगे तो 4% हो गया, कस्टम में भी देख लीजिएगा आप कि गोल्ड हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर मेडिसिन हो गया जिसमें कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटीज को रिडक्शन किया गया है जो पहले लगता था अभी उसको रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि भारत में जो गोल्ड खरीदने का जो तादाद है वो बढ़ने लगेगा, और जो यहाँ पर सप्लायर हैं गोल्ड वाले वो भी क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, तो इम्पोर्ट करने में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर देना होगा हम लोगों को, तो यहाँ से रुपीस थोड़ा सा क्या हो सकता है कि वीक हो सकता है, तो ये गोल्ड वाले वीडियो में जरूर आप देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रुपी गोज टू यानी कि कहाँ सरकार खर्चा की जो पैसा आया, तो देखिए सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे हुआ इंटरिम बजट्स में अगर हम बात करेंगे, तो वो है आपका दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल 18% जो स्टेट्स को जो है शेयर दिया जाता है सेंटर की तरफ से, बाकी आप टेबल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपका। आई होप दोस्तों कि ये जो जुलाई 23 का बजट्स था स्पेशली फुल बजट्स जिसको मैंने वन बाय वन इन डिटेल जो है एनालिसिस किया, 2-3 चीज़ें आपको इसमें याद रखना है, एक पूर्वोदया प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, इसके साथ साथ आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये 4-5 जो एंगल है आपको अच्छे से याद रखना है, और बाकी जो है दोस्तों आपको इंटरिम बजट्स भी लेके चलना है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे जहाँ पर मैं टैक्स के ऊपर बात करूँगा, साथ साथ गोल्ड एंड शेयर बाजार के ऊपर बात करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, ज़रूर आप देखिए, साथ साथ आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अद्दान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।